नमस्कार, मैं कृष्ण आर्य एडवांस बात कर रहा हूँ। आज हम सोच रहे हैं काम जोड़ा देवी का जो मंदिर है वहाँ पे भंडारा लगवा है और मेला लगा है। आप मेले की तस्वीरें देख भी रही हैं, दुकानदार है ये सब यहाँ पे देखे हुए और आपको और जो अंदर उस साइड झूला लगा है और दूसरी साइड की दुकानें लगी है और दूसरी साइड की दुकान लगी है सामने तक। और जो अंदर की तस्वीरें हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे सामने। ये आप देख रहे हैं जो मंदिर का मेन गेट है, इससे हम अंदर आए हैं। पूरे सजावट देख रहे हैं, रात को यहाँ पे जगराता था और अभी यहाँ पे भंडारा लगा हुआ है और पूरा गांव है जो आसपास के लोग हैं या गांव के जो बाहर के लोग हैं सेठ लोग हैं वो भी आए हुए हैं, गाड़ियाँ खड़ी हैं। और जो श्रद्धालु हैं आप देख रहे हैं मतलब मंदिर में पूजा करके आते हुए है, जो मंदिर के जितने भी सदस्य हैं वो सारे यहाँ बैठे हैं और जो भक्त यहाँ पे मंदिर में यहाँ पे श्रद्धा से माथा टेकने के लिए आते हैं उनके लिए यहाँ पे प्रसाद रखा है। और जो दान करना चाहते हैं ये मंदिर की जो कमेटी है वो यहाँ पे पूरी की पूरी बैठी है। हाँ जी नमस्कार जी, नमस्कार जी। हर साल लगता है अच्छा, तो कितने लोग आते हैं यहाँ पे? ग्राउंड और पंडाल बिल्कुल भर गया हुआ, मेरा जागरण था और मतलब जितने भी गांव के लोग बाहर रहते हैं जैसे सब आते हैं, बिल्कुल सब आवा बहुत बढ़िया। और आपने सुना है जो कमेटी के सदस्य इन्होंने बताया है कि गांव के जितने भी लोग हैं चाहे कहीं भी रहता हो जींद है या पूरे भारत में कहीं भी रहता है वो सब यहां पे आते हैं। और मंदिर की जो तस्वीरें हैं एक बार दिखाई, ये सामने तक ये किस चीज का मंदिर है? ये भोलेनाथ का मंदिर है। और आगे ये मंदिर किस चीज का है जी? ये काली माता का मंदिर, काली माता का है। अभी बना ये मंदिर है उसके बारे में भी पूछेंगे। हाँ जी, ये धूना है, ये बाबा का धूना है। और इसके आगे वाला जो मंदिर है वो भी पूछेंगे। हाँ, ये मंदिर किस चीज का है? ये बाबा ब्रह्मचारी का, बाबा ब्रह्मचारी का। आगे वाला ये माता का प्राचीन मंदिर, हाँ इधर मंदिर। हाँ जी, रामायण मंदिर प्राचीन मंदिर है ये। हाँ बाबा जो माता परमेश्वरी देवी का मंदिर है, हाँ ये वो ये है। ये कितने सालों पुराना है? 300-400 साल पुराना है। अच्छा, तो यहाँ पे जब भंडारा लगाते हैं मतलब इसमें पूरे गांव का सहयोग रहता होगा? हाँ जी, पूरे गांव का सहयोग। अच्छा, तो मंदिर की कितनी जगह है और इसमें और क्या 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 सुविधाएँ हैं, जैसे तालाब है, गुरुद्वारा है, आदि उसके बारे में बता रहे हैं? मैंने बात करें सबसे बढ़िया पानी जी, जो पूरा गाँव में तालाब भी है, गौशाला भी है। बहुत बढ़िया। आप कहाँ से आए सर? पेजा से आए हैं। आपको ये मंदिर कैसा लगता है? बहुत बढ़िया। आप आते रहते हैं? और यही काम कर रहे हैं 8-10 साल से, यहीं पर लग रहा है। ये 5-4 मंदिर में आपने बनाया जी? ठीक ठीक ठीक, बहुत बढ़िया है। आपका शुभ नाम सर? राम तिलक। राम तिलक जी, जो आज का ये भंडारा है वो जागरण है, बाहर मेला लगा हुआ है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मेला और जागरण में दरबार लगा हुआ है, जागरण मेला है, वो जो भाई भाई सब लाग रहे हैं, वाले लाग रहे हैं, वो सभी का करती है भाइयों ने, उनको सारा को राम राम करता हूँ, सफाई और उसके हिसाब से राम राम सबको। ठीक, बहुत बढ़िया। तो भंडारा लगता है, ये जगह है, सुबह 7 बजे भंडारा शुरू हुआ था, लोग आते हैं जाते हैं आते हैं जाते हैं। और जो आप ये टेंट देख रहे हैं यहाँ पे रात को जागरण था, पूरा पंडाल पूरा का पूरा भरा हुआ था। और जो यहाँ पे तालाब है माता का, जो ये मंदिर के अंदर जो तालाब है वो भी हम आपको दिखाएंगे, बिल्कुल साफ पानी है, पूरा का पूरा गाँव यहाँ से पानी लेके जाता है। ये तालाब है पूरा, ये देख ले, बिल्कुल साफ पानी का ये तालाब है, नाले का।
और जो पीछे पानी का है आस पास पूरा का पूरा गांव बहुत मीठा पानी है, यहाँ पे पूरा गांव यहाँ से पानी लेने के लिए आता है। और आप तस्वीरों में देख रहे हैं जो गांव के गणमान्य व्यक्ति हैं, जो बिजनेसमैन हैं, जो बाहर रहते हैं, वो गाड़ियाँ भर भर के यहाँ पे बच्चों के लिए फ्रूटी लेके आता है, कोई चप्पल लेके आता है, कोई कुछ सामान लेके आता है, कोई बिस्कुट लेके आता है। सुबह गाड़ियाँ खड़ी हो जाती हैं और इस तरह बांटते हैं। आप तस्वीरों में देख रही हैं कहीं कुरकुरे बांटे जा रहे हैं, कई टोफियाँ हैं, कई ठंडे हैं, कई कुछ है। आप देख रहे हैं जो ये बिजनेसमैन हैं शहर से या दिल्ली से या कहीं से बाहर बाहर से जहाँ जहाँ रहते हैं, ये देखो अलग अलग झुंडों में बच्चे हैं। और ये जो बाहर से आए हैं गणमान्य व्यक्ति बिजनेसमैन हैं, जो गांव के गांव वालों को इन पर गर्व है क्योंकि वो गांव के हर कार्यक्रम में सहयोग देते हैं और पहुंचते भी हैं। और तस्वीरों में आप देख रहे हैं गांव के जो बिजनेसमैन इन बच्चों को फ्रूटी बिस्कुट ठंडे या और भी अन्य जिस बच्चों को चप्पल की जरूरत है चप्पल हर चीज़ का सहयोग करते हुए तस्वीरों में आप देख रहे हैं। और फिर किसी नई अपडेट के साथ आपके सामने पेश होंगे। मैं कृष्ण आर्य, एडवांस भारत न्यूज हरियाणा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।